फायर फाइटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं, शेख जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, 1122 मौजूद है, सिविल डिफेंस से ताहिर साहब मौजूद हैं और तैयब साहब मेट्रो की जानिब से। तैयब साहब, इधर बारिश नहीं पड़ती? नहीं सर, इधर नहीं पड़ती। ये देखे पूरे स्टिकर लगे हुए हैं, स्टिकर लगे हैं और स्टिकरों पे क्या नस्ब है जी, देखें 17/9/2017 को रीफिल किया गया इन्हें और 18/9/2018 को एक्सपायर हो गया और इसके बाद अब ये चले ना चले कोई जिम्मेदार नहीं है। और अगर इधर कोई आग लग जाती है खुदा ना खास्ता और कोई सानिया हो जाता है, अल्लाह ना करे हमारे मुंह में खाक, खाक में बदन, तो ये सूरत हाल है। इसके साथ ही आप अगर ये दूसरे वाला देखें तो इधर बारिश पड़ी है? नहीं सर, इधर भी नहीं आई, देख लें। ये लगा, तो इसका स्टिकर कहाँ है फिर, एक्सपायरी वाला? ये लगा हुआ है इसके, इसका नहीं लगा, उतर गया। इसका मतलब ये बारिश इस पर पड़ती रही है, इस पर बारिश कैसे पड़ गई, इसका मतलब कोई उतारता रहा है? हो सकता है सर, मुमकिन है, सफाई वगैरह करते हैं जब, हो सकता नजर आ रहा है ये स्टिकर उतारे गए हैं, ये बारिश से उतरने वाले हैं यहाँ तो बारिश की एक बूंद नहीं है, बारिश का कोई, ये उतारे गए हैं और मेट्रो स्टेशन। मैंने कहा तैयब साहब का दिल भी तो रखे ना, अगर वो बारिश का क्लेम कर रहे हैं तो मुझे क्या इतराज है। ये कैसी बारिश है जो सिर्फ एक पे पड़ती है बाकी दो पे नहीं पड़ती, एड्डी समझदार बारिश उनके। करीब आए जी जरा, मेरे कैमरा मैन अगर मेरे इधर लेफ्ट पे आ जाएंगे तो उन्हें जरा आसानी रहेगी ये दिखाते हुए कि सूरत हाल है क्या। सिविल डिफेंस हमारे साथ मौजूद है जी, ताहिर साहब आप आइए, फारूक साहब आप भी आइए। ये ताहिर साहब आप देखें, ये वाला कैमरामैन अगर दिखा सकें, 17/9/2017 तीन सिलेंडर लगे हुए हैं, 18/9/2018 एक्सपायर हो चुका है। अच्छा, ये मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये है AFFF, हाँ। ये है फोम, इसमें फोम है, हाँ। फोम टाइप फायर एक्सटेंशन है, इसको लिक्विड्स की आग के लिए इस्तेमाल करते हैं जिस तरह पेट्रोल डीजल वगैरह की आग। ये भी एक साल बाद, ये 18/9/2018 को एक्सपायर हो, ठीक है। ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटेंशन है, ये एक्सपायर नहीं होता, ये जब तक खाली ना हो, जब तक यूज़ ना हो, इसमें जो गैस है वो बिल्कुल उसी तरह ही रहती है जैसे इसके। इसका चेकअप करते हैं वेट के ज़रिए, ये इसका टोटल वेट जो है तकरीबन 13.9 kg है, इसमें 5 kg जो है ना इसमें CO2 गैस है, इसको जब वेट करेंगे तो इसका टोटल वेट आ जाएगा, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। अगर इसका अभी आप वेट इसका तो नहीं कर सकेंगे इस वक्त, नहीं इस वक्त तो नहीं हो सकता वो वेट। अच्छा, अगर इसका वेट कम होगा तो इसका मतलब है इसकी गैस जो है लीक है, इसको सिर्फ साल बाद वेट के जरिए ही चेक किया जा सकता है कि लीक तो नहीं। अच्छा, यानी कि इसमें आप अभी भी नहीं बता सकते, वेट मशीन आपके पास होगी तो आप बता सकेंगे कि ये एक्सपायर है या रीफिल होने की जरूरत है। एक्सपायर तो होता ही नहीं ना, लेकिन इसकी आपको जो जो क्वांटिटी गैस की मौजूद है वो पूरी करना होगी। 5 kg ऊपर लिखा होगा इधर कहीं, 5 kg इसमें गैस है, CO2 गैस 5 kg। 5 kg लिखा है कहीं जी? ये है जी MT5, हाँ जी वो लिखा है कॉर्नर पे 5 kg। अब इसका, अच्छा 5 kg तो इसकी हो गई ना गैस, हाँ। और उसके बाद इसका अपना वेट जो है ना वो टोटल मिला के 13.9 गेज इसकी जीरो पे आई हुई है। ये देखें, ये तो एक्सपायर है, तो ये तो 100% एक्सपायर है ना, ये जो दो फायर एक्सटेंशन है ये एक्सपायर हो जाते हैं। जंग देखें आप जो लगा हुआ, ये जंग देखें, ये जो है ना CO2 ये एक्सपायर नहीं होता, इसका सिर्फ वेट करके हम देखते हैं। अगर इसका वेट 13.9 kg है तो ये लाइफ टाइम चलेगा इसी वेट में, अगर ये यूज़ करेंगे खाली हो जाएगा देन इसको प्लांट पे भेज के रीफिल करवाया जाएगा। ये एक ही दिन उनकी बात ठीक थी, एक ही दिन सारे फिल होके आए हैं, बाकी और AFFF और ड्राई केमिकल पाउडर हैं दोनों ही एक्सपायर हो चुके हैं 4 माह से, ये 18/9/2018 से, ठीक है, इनको रीफिल करवाने की ज़रूरत है जी। हाँ जी शेख साहब, अब बात आ जाती है महकमों की। साहब मजीद और चीज़ें भी दिखाएं हमें, कहाँ कहाँ लगे हैं, बंदोबस्त आपका किधर किधर है और इधर भी लगा है जी, कमरे के अंदर भी लगा है, ये भी दिखाएं। ये एक नन्ही मुन्नी सी जान इधर भी बैठती है, ये मुस्कुराता शहर लाहौर का बासी और इसकी जान सबसे ज्यादा हमें अजीज है। एयर कंडीशन की हालत आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है ये एयर कंडीशन और बड़ी अच्छी ताज़ा गंदी हवा इकट्ठी करके आपको खुश करता है, आपका दिल लुभाता है इस मौसम में भी। 17/9/2017 और 18/9/2018 ये September 2018 में एक्सपायर हो गया और मेट्रो को नहीं पता कि September 2018 गुजरे कितना टाइम हो गया, और खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाए तो सब पे पर्चे होंगे।
कोई भी नहीं बच पाएगा इस गफलत की वजह से। नहीं नहीं बात है बात साहब, किस तरह की बात कर रहे हैं, इंक्वायरी कमेटी बनेगी उसके ऊपर, वो कमेटी तहकीकात करेगी उसके ऊपर, जीआईटी बनेगी, ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। ये बुज़दार सरकार में है आप इस वक्त, जिन्होंने कसम खा ली है के मुफादे आमा के किसी प्रोजेक्ट के ऊपर तवज्जो नहीं देनी। कितना मोहलक और खतरनाक है, आप जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स देखते हैं, गो के आपकी डोमेन नहीं है, लेकिन आपकी डोमेन सारा दिन हादसा को डील करना तो है ना। ऐसे ये बिल्कुल, अगर हादसा हो जाए खुदा ना खासा, जहां हम खड़े हैं यहां हो जाए कोई आग लग जाए तो क्या करेंगे ये लोग? फहद भाई, कोई भी जो बड़ा इंसिडेंट है वो एक छोटे से शोले से शुरू होता है, एक शोले से शुरू होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि, बहुत कम ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो किसी बूम और ब्लास्ट से शुरू हो जाए। आपको मैं बताऊं कि अभी दो तीन दिन पहले हब में एक इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे वेन में आग लगी है और तकरीबन 20 के करीब लोग जिंदा जल गए हैं गाड़ी के अंदर। तो हमारा तो ये विजन है, हमारी मैनेजमेंट का ये विजन है कि हमारी जो प्रिवेंशन है, अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे तो ये हादसा दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी प्रिकॉशंस मैयर को इंश्योर करें, और उस वक्त तक हादसा में कमी नहीं आ सकती जब तक हम प्रिकॉशन मैयर को बाकायदा नहीं लेंगे। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो लूज वायरिंग है और इस तरह के जो हमारे सब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, ये सबसे बड़ी वजह है किसी भी जगह पर आग लगने की। और इस वक्त जो रेशो है आग लगने की, सबसे बड़ी वजह वो शॉर्ट सर्किट है जो पंजाब के अंदर रिपोर्ट हुई है। शॉर्ट सर्किट सबसे बड़ी वजह है। अगर आपकी वायरिंग ठीक नहीं है, आपका शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगती है, और आपके पास अगर इक्विपमेंट ठीक नहीं है। साहब ये हाल देख रहे हैं आप? जी जी जी, ये ए टू जेड जितने भी यहाँ फायर एक्सटेंशन है सब एक ही डेट में एक्सपायर हुए हैं। ये नहीं है कि कहीं मतलब ये वैलिड है और कहीं एक्सपायर हो चुका है। ये तकरीबन 4 माह से सारे फायर एक्सटेंशन जो है ना, ड्राई केमिकल पाउडर और AFFF जो मैंने इधर देखे हैं, 4 माह से वो एक्सपायर है। उनको फौरी तौर पे रीफिल करने की जरूरत है। इस आग बुझाने वाले आले की अहमियत सिर्फ थोड़ा सा माजी में लेके जाना चाहता हूँ। 9 मई 2013, इनको पता है LDA प्लाजा में लाहौर की तारीख में सबसे बड़ी आग लगी। एट द एंड जो उस वक्त के DCO नसीम सादिक ने रिपोर्ट बनाई, उसमें पता क्या लिखा था कि आग बुझाने वाले आलात नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से आग भड़की, 27 लोग जिंदा जल गए। LDA प्लाजा पूरा अजीटन रोड पे वो खाक बन गया, ख़त्म हो गया। वजह क्या निकली कि वो जो बाकी रिपोर्ट में कि वो नहीं पहुंच सका, लेकिन वो जो कहते हैं कि फर्स्ट एड फराहम करनी है, वो किसने करनी थी? वो इन्हीं आलात ने फराहम करनी थी। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, ये आग पकड़ने वाली चीज़ें हैं। ये जो कैबन है ये आग पकड़ने वाले हैं। ये जितनी इलेक्ट्रिसिटी का काम है, इस सब ने आग को पकड़ना है। सिर्फ एक स्टेशन के ऊपर आग लगी और फिर उसके बाद GITs हैं, क्योंकि वो उसकी भी रिपोर्ट LDA प्लाजा की भी मंजर आम पर नहीं आनी, और अल्लाह ना करे कि यहाँ पर कोई ऐसा खुदा ना खासा इंसिडेंट हो, तो ये भी फिर GITs हैं। फिर लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है इतने सेंसिटिव इशू में। रेस्क्यू आ रही है, सिविल डिफेंस चेक कर रहा है, रिपोर्ट बना रहे हैं। यार रेस्क्यू ने भी आना है तो उसने को टाइम लेना ना, वो नीचे स्टेशन के ऊपर थोड़ी खड़ी है वो, कि जैसे ही तैयब साहब किधर है, तैयब साहब बाकी किधर लगा है बंदोबस्त? इसी तरह जिस तरह ये लगे हुए हैं और किस जगह दूसरे प्लेटफॉर्म में भी लगे। मैं देखता चाह रहा हूँ कि उधर बारिश पड़ती है कि नहीं। आइए मेरे साथ, आइए आप हमारे साथ रहिए जी। दीगर बहुत सारे हालात हैं, आपको वो भी दिखाते हैं कि उनकी सूरत हाल क्या है, और ये कितना ज़रूरी है कि अगर यहाँ कोई खुदा ना खास्ता छोटा मोटा स्पार्किंग का मसला हो जाए, तो ये हालात अगर चलते हों फायर फाइटिंग वाले तो एक सेकेंड में उसका हल निकल आए, और अगर ये हालात ना चलते हों जैसा कि ये नहीं चल रहे और ये एक्सपायर्ड हो चुके हैं, तो आपकी और हमारी जान जो है वो फिर अल्लाह के हवाले। इंसान तो उस पर फिर कुछ नहीं कर सकता, ना काविश कर सकता है, ना किसी को बचा सकता है। किसी आग में कोई जलता हुआ बंदा आप देखें तो आप फौरी तौर पर रेस्क्यू करने की कोशिश उसे करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके पास कोई बंदोबस्त होना चाहिए, और यहाँ बंदोबस्त नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, जो कि बड़ा अलार्मिंग है। और वो प्रोजेक्ट जिसमें लाखों लोग डेली रोज़ाना की बुनियाद पर मेट्रो में सफ़र करते हैं, वहाँ ये सूरत हाल हो तो बाकी क्या हालात होंगे, आप हमारे साथ रहिए। ये जी आपको दिखा रहे हैं कि क्या बुरा हाल किया हुआ है यहाँ फायर फाइटर्स का। जो बंदोबस्त है वो नाकिस कहना छोटा लफ्ज़ है, ये निगलिजेंस की आखिरी स्टेज है, ये गफलत की आखिरी स्टेज है जी। आप देखेंगे 17/9/2017 को ये इधर नस्ब किया गया था, 18/9/2018 को ये एक्सपायर हो गया, और इसे एक्सपायर हुए सितंबर गुजर गया 2018 का, और अब 2019 के आप जनवरी में हैं, और उसकी वो भी गुजर गया जनवरी भी, एक आध दिन उसका रह गया, ये भी सेम कंडीशन। क्या आपका होता है जी SOP, क्या होता है? तैयब साहब जिस तरह उन्होंने बताया कि ये मैंने रिपोर्ट की है हाई अप्स को कि ये फायर फाइटिंग अरेंजमेंट सारे जो है ना एक्सपायर हो चुके हैं, इनको रीफिल किया जाए,
بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بار بار ان کو ریمائنڈر بھی دیا ہے. جن جو آپ کے ہائی اپس ہیں ان کا بتائیں کن کو آپ نے ریمائنڈر دیا ہے. سر ہم اپنی کمپنی کو بتاتے ہیں. کمپنی کا کوئی بندہ بھی تو ہے نا؟ کس بندے؟ پہلے ہم چیف صاحب کو بتاتے ہیں. رانا صاحب کا کیا نام ہے؟ رانا صفدر صاحب. رانا صفدر صاحب کیا ہے ادھر؟ وہ چیف سیکورٹی ہیں ہمارے. چیف سیکورٹی کو انہوں نے بتایا جی؟ ہاں جی. وہ چار ماہ گزرنے کے باوجود انہوں نے ابھی تک اس کا کوئی ری فلنگ کا بندوبست نہیں کیا, تو اس سلسلے میں ہم وہ چیف آپ کا جو یہاں پہ انچارج ہے, کون ہے اس اسٹیشن کا انچارج؟ میں ہوں سر. آپ کو نوٹس دیں گے کہ آپ یہ سات دن کے اندر اندر اس کو جو ہے ری فل کروا کے یہاں پہ لگائیں. سات دن آپ نے زیادہ نہیں دے دیے؟ نہیں, یہ قانون کے سات دن کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا تو سول ڈیفینس ذمہ دار ہے. نہیں, اس میں یہ ہے کہ یہ ان کے پاس سی او ٹو فائر ایکسٹینشن آلریڈی ادھر موجود ہیں, وہ آپ نے ری فلنگ کے نہیں بھیجنے. وہ لائف ٹائم کی گارنٹی ہے کہ وہ اگر یوز نہ ہو چیکنگ کے لیے تو بھجوانے ہیں نا چیک, تو وہ اس کا ویٹ کر کے اس کو جو ہے نا چیک کیا جاتا ہے. آپ نے یہ جو ایکسپائر ہو چکی ہے نا جن کے اوپر سلپ لگی ہوئی ہیں ان کو ری فل کروانا ہے, اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ فائر ایکسٹینشن ہے وہ آپ نے لے کے نہیں جانا, ٹھیک ہے؟ وہ ادھر رہیں گے. جب وہ واپس آ جائیں گے یہ, تو دین آپ نے وہ جا کے اس کا ویٹ کروا کے سیٹسفیکشن. جی آپ کا ایم یو کالج والا محکمہ سول ڈیفینس کی جانب سے ان کے ارباب اختیار کو چیف سیکیورٹی کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے, اور ان کی طلبی کی گئی ہے کہ فوری طور پر سات دن کے اندر یہ جتنے بھی آگ بجھانے والے آلات کا بندوبست کیا ہے اس کو فوری طور پر ری فل کریں, اور یہاں آپ اپ گریڈ کریں سارے سسٹم کو, چونکہ یہ سسٹم چار چار مہینے سے ایکسپائر ہو چکا ہے. چار مہینے پہلے یہ ایکسپائر ہونے والا سسٹم آج بھی یہاں نصب ہے. خدا نہ خواستہ لاہور میں ڈیلی کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں آتشزدگی کے معاملات پیش آتے ہیں, قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے, قیمتی سامان جو ہے جل کر خاکستر ہو جاتا ہے, تو ان سارے سانحات سے بچنے کے لیے یہ جو آگ بجھانے والے آلات ہیں ان کو خصوصی طور پر چیک کرنے آج سول ڈیفینس کا محکمہ جو ہے وہ حرکت میں ہے لاہور میں, اور انہوں نے میٹرو کے دیگر اسٹیشنز بھی چیک کرنے ہیں ابھی. اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ان کو سات دن کے اندر نوٹس کے بعد اس کو اپ گریڈ کرنے کا آرڈر دیا گیا. یہ یہاں کی صورتحال ہے جی. اور شیخ صاحب آرڈر ہو گیا جی ان کو نوٹس کرنے کا؟ نوٹس ہو گیا. اب اس نوٹس کے اوپر صرف عمل درآمد ہونے کی ضرورت ہے. چاہیے یہ کہ اب سول ڈیفینس کو, پہلے تو میں سول ڈیفینس کی غفلت بتاتا ہوں کہ ان کو پہلے کیوں نہیں یاد آیا کہ اس کو چیک کرنا ہے. چلیں دیر آئے درست آئے, اب سات دن کے بعد چیک کر لیجیے گا اس کو. اخبارات میں اشتہارات ہر وقت ہر اخبار میں تقریباً ہم دیتے ہی رہتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ہم نے ریسنٹلی 1 جنوری کو ہمارے سول ڈیفینس ڈائریکٹر صاحب نے یہ اسپیشلی پمفلٹ جاری کروایا ہے کہ بلند و بالا عمارات اور ادارہ جات میں آگ بک سے بچاؤ کی تدابیر 2019 کا یہ پمفلٹ. اب آگاہی دیتے رہے, اب نوٹس کیسے آپ جاری کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں جی نوٹس کے لیے؟ اخبارات میں اگر دیتے رہتے ہیں ہر قسم کی فائر فائٹنگ ارینجمنٹ پورے کریں. طیب صاحب آ جائے. آپ تو اچھا مجھے ایک منٹ مجھے دیں. یہ آپ چونکہ ڈیل کرتے ہیں سارا دن ان چیزوں کو, کتنا آسان ہے کہ شعلے کو اگر کسی کی ٹائم پہ نظر پڑ گئی, تھوڑی سی آگ اگر بھڑکی ہے تو وہاں آپ کا کام کر رہا ہو یا آلات جو ہیں فائر فائٹنگ والے, تو آپ کتنی جلدی قابو پا لیتے ہیں, اور آپ کے پاس تھوڑی ٹریننگ بھی موجود ہو. جیسے وہ کہہ رہے تھے ابھی طیب صاحب بتا رہے تھے کہ میٹرو کے محکمے کے پاس ان کے پاس کچھ ٹرینڈ لوگ موجود ہیں, تو کتنا آسان ہو جاتا ہے اس طرح؟ اور اگر یہ نہ کام کر رہا ہو تو پھر کیا بنتا ہے؟ دیکھیں, گولڈن لائن ہے کہ دا پرسن وچ از کلوز ٹو دا ایمرجنسی از مور امپورٹنٹ as compared to that person, as compared to that vehicle which is coming from the hospital, which is coming from the control and command center. Rescue ko yahan pahunchne mein 3 minute lag sakte hain, 4 lag sakte hain, 5 lag sakte hain, 10 bhi lag sakte hain agar road traffic ka congestion zyada hai. Yakeen kare ki fire ki surat mein ek ek lamha vital hota hai, aur ye jo sukhi lakdi ki jagah hoti hai, ye jo electricity ka area hota hai, wahan pe 3 minute bahut zyada hote hain. اسی لیے ادارہ جات جو ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے, ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ اپنی پریکاشن میئرز لیں, اور دوسرے ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھتے ہیں. ایسے بے شمار کیس ہیں. آپ کو میں یہ بڑا کلیئر بتاؤں کہ ریسکیو 1122 اگر 20 کیسز پہ روزانہ ایوریج رسپانس کرتی ہے, تو کئی ایسے کیسز بھی ہیں جن پہ وہاں کے لوگ بہتر رسپونڈ کر کے اس چھوٹے سی ایمرجنسی کو سانحہ بننے سے روک دیتے ہیں.